वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। 2 साल पहले शेफाली वर्मा महज 14 साल की थी, तब उन्हें हरियाणा के रणजी प्लेयर आशीष हुड्डा का सामना करने के लिए कहा गया। रोहतक के श्री राम नारायण एकेडमी में ट्रेनिंग ले रही शेफाली के कोच अश्विन कुमार ये देखना चाहते थे कि उनकी होनहार स्टूडेंट टफ बॉलिंग को फेस कर पाती है या फिर नहीं। लेकिन आशीष हुड्डा को डर लग रहा था कि उनकी गेंद से कहीं शेफाली को चोट ना लग जाए, इसलिए उन्होंने धीमे ही बॉलिंग की। हुड्डा की गेंद पर शेफाली ने अच्छा बल्ला चलाया और बॉल उन्हीं के सर के ऊपर से गई। इस पर हुड्डा ने अगली गेंद फेंकी जिसकी रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, लेकिन शेफाली को तो इससे भी कोई परेशानी नहीं हुई। सिर्फ 14 साल की उम्र में दिग्गज बॉलर की गेंदबाजी से ना डरने वाली शेफाली आज 16 साल की उम्र में लोगों का दिल जीत रही है। लोग कह रहे हैं कि शेफाली उन्हें सहवाग की याद दिलाती है। नमस्कार, मैं हूं अंशिका सारडा और आप देख रहे हैं जनसत्ता। इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम शानदार प्रदर्शन करते हुए T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। टीम की प्लेयर्स में सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी की हो रही है तो वो है शेफाली वर्मा की, जो महज 16 साल की है। शेफाली ने पिछले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 34 गेंदों पर 46 रन बनाए थे। इस टूर्नामेंट के सभी मैचों में शेफाली का प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। शेफाली की तारीफ करते हुए कमेंटेटर भी ये कहते हैं कि ये लड़की वाकई उम्दा खेल रही है। ये तो आप भी जानते हैं कि टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को क्रिकेट की दुनिया में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए याद किया जाता है, लेकिन विमेंस टीम इंडिया की पूर्व कप्तान डायना इडुल्जी ने कहा कि शेफाली एक ऐसी प्लेयर है जो विमेन क्रिकेट को देखने के लिए दर्शकों को मजबूर कर देगी। हालांकि तुलना करना ठीक नहीं होता, लेकिन शेफाली मुझे वीरेंद्र सहवाग की याद दिलाती है। उनकी बल्लेबाजी विमेंस क्रिकेट के लिए ताजगी लेकर आई है। शेफाली के साथ खेले गए उस मैच को रणजी प्लेयर आशीष हुड्डा, जो उस वक्त 28 साल के थे, वो याद करते हुए बताते हैं कि जब शेफाली उनकी गेंदों पर रन जड़ रही थी तो कोच ने उन्हें फटकारते हुए कहा कि क्या कर रहा है, जान लगाकर बॉलिंग कर। हुड्डा ने कहा कि वो उस टाइम को आज भी याद करते हैं कि किस तरह से सिर्फ 14 साल की उम्र में शेफाली शानदार बैटिंग कर रही थी। शेफाली के पिता संजीव वर्मा अपनी बेटी को शुरू से ही वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर बनाना चाहते थे। संजीव पेशे से सुनार है और जब से शेफाली 5 साल की थी तब से ही वो शेफाली और अपने बेटे साहिल को सुबह जल्दी उठाकर पार्क में ले जाया करते थे और उनके साथ खूब क्रिकेट खेला करते थे। एक बार जब साहिल बीमार पड़ गया और वो टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले पाया तो संजीव ने शेफाली की बॉयकट करवाई ताकि वो अपने भाई की जगह खेल सके। फिर क्या था, शेफाली का जीवन ही बदल गया। शेफाली ने मैदान पर हर लड़के को मात दी और प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट बनी। शेफाली अपनी उम्र की लड़कियों से कई गुना ज्यादा अच्छा खेलती थी। बेबी ऑफ टीम शेफाली के अच्छे खेल को स्मृति मंधाना और टीम की बाकी सारी प्लेयर्स भी जीत में बड़ा योगदान मानते हैं, लेकिन शेफाली के पिता का कहना है कि ये तो सिर्फ शुरुआत है। शेफाली भी इस मुकाम तक पहुँचने के लिए सभी लोगों का शुक्रिया अदा करती है। इतनी कम उम्र में शेफाली की कामयाबी उनको एक मिसाल बनाती है। उनका अच्छा खेल फैंस का ध्यान अब विमेंस क्रिकेट की ओर खींच रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। शेफाली से अब सेमीफाइनल और फाइनल्स में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद बन गई है। ऐसे में हम तो उन्हें गुड लक ही विश करेंगे। आप भी शेफाली को कमेंट सेक्शन में गुड लक विश करें और अगर ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और बने रहें जनसत्ता के साथ।